नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं धन्यवाद भारत। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनका नाम है झिझिया स्टार नीरज निराला, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। एक से एक बड़े गाने दिए हैं, 100 मिलियन, 150 मिलियन, 125 मिलियन, 50 मिलियन, 55 मिलियन, यानी कि मिलियन का ही बाजार है इनका भी। आपको बता दें कि ये ऐसे कलाकार हैं जो कि चंपारण की धरती से आते हैं और आज तक इन्होंने कभी उटपटांग गाने नहीं गाए। हमेशा से ये साफ सुथरे छवि के गायक रहे और साफ सुथरे गाने जो कि परिवार के बीच सुना जा सकता है, ऐसे गीत गाते हैं। झिझिया से लेके इनका जो भी गाना हो, कमर लच के तमाम सारे गाने हैं इनके, एक से एक बड़े बड़े हिट गाने हैं। एक गाना इनका रिसेंट में TF कंपनी से रिलीज हुआ और महज 5 घंटे में ही उस गाने को उतरवा दिया गया। आइए जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या हुआ और कैसे हुआ कि उस गाने को उतार दिया गया और एक बड़े ही सिंगर के आवाज में उस गाने को रिलीज कर दिया गया। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे नीरज जी, धन्यवाद भारत में। क्या कुछ प्रकरण हुआ? आपके धन्यवाद भारत के जितने भी ऑडियंस है सबको मेरा दिल से प्रणाम है। सवाल कीजिए, अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या प्रकरण हुआ कि मतलब आपका गाना उतार दिया गया? क्या प्रकरण हुआ इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, या फिर हम नहीं जानते हैं कि अगला का गाना कब रिकॉर्ड हुआ, कब क्या हुआ। सीधा मुझे TF से फोन आया कि नीरज जी ये गाना मैच कर रहा है। अच्छा, उनके द्वारा भेज दिया गया TF में, अपना जो भी प्रूफ भेजे TF वाले उतार दिए। हमने कहा कि बताइए, हम आपके चैनल से इतना गाना दिए हैं और हम जब गाना भेजे तो मेरा गाना प्राइवेट कर दिया गया, ऐसा क्यों है? तो बोले कि नहीं, आप भी अपने हैं, वो भी अपने हैं। तो ठीक है, अपने आए, वो उतार दिए। हमने ग्लोबल को भेजा ग्लोबल को भेजा, पोस्टर आ गया, 5:30 बजे गाना आउट होना था, फिर वहां भी बंद करवा दिया गया कि नहीं, गाना नहीं हुआ। यानी कि मतलब बड़ी कंपनी के रूप में, मतलब एक TF कंपनी है जिसको मतलब लोग जानते हैं, TF को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। क्या उसके पास क्षमता नहीं है कि वो अपने कलाकार के लिए लड़ पाए? देखिए, क्षमता है या नहीं है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है मुझे भी पता नहीं है, मेरे मन में क्या चल रहा है वो आपको भी पता नहीं है। इससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है मेरा गाना क्यों उतरवा दिया गया। हम भी गाए हैं, आप भी गाए थे, मैं भी कब गाया हूँ मैं जानता हूँ, आप कब गाए हैं, आप ये गाना आप कब गाए हुए थे? हम ये गाना मार्च में ही गाए थे, मार्च में। हाँ, 2 मार्च को, मेरे पास सारा डिटेल है, सारा लिख लीजिए एकदम, हम भेजे थे। चलिए, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इसको ऐड कर लूंगा। नहीं, आप देख लीजिए, अब ये देख लीजिए कि हम भी गए थे उसी समय। देखिए, एक ऐसे कलाकारों के साथ मतलब होता है। देखिए, अभी एक लड़का मुझे भी मतलब फोन करके बताया था कि भैया इस गाने को आपको गाना है। देखिए, नीरज ने लगा फाइल, देख लिया जी जी, देखिए खुल रहा है कंप्यूटर पे, डेट देखिए, देखिए डेट देखिए खुल रहा है जी जी, देखिए मार्च 2022 9:21। अच्छा, ठीक है, तो ये गाना मतलब लीक हो गया, मतलब किसी ने गवा दिया, तो मालूम नहीं मतलब आप पहले गए हैं कि वो गए। हमको ये पता नहीं है, लेकिन मेरा तो है ना स्टूडियो का, वो आपका बिल्कुल बिल्कुल सारा चीज हमने आपको दिखाया ना जी जी। हमको क्या है कि एक लड़का फोन किया कि भैया ये गाना आप गाइए, हमको अच्छा लगा। उसके बाद से हम थोड़ा सा व्यस्त थे पारिवारिक उलझन में, उसके बाद हमको टाइम मिला, हमने गया स्टूडियो, जब ये गाना का हमने गाया, उसके बाद उसको फोन किया, फोन नहीं लगा, तो फिर हम कंचा जी के सहारे इस गाने को पूरा करा के गा दिए। यानी कि मतलब कृष्णा कंचा जी इस गाने को पूरा किए, पूरा किए, हम गा दिए, TF से मेरा रिलीज हुआ। उसके बाद देखे कि भाई वहां से बंद, वहां से हो नहीं रहा है, अंत में इस गाने का ऑडियो हम भेज दिए, भाई जिसको चढ़ाना है चढ़ाइए। वीडियो भी हमने बोला कि चलो सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन SS फिल्म वाले बोले कि हम रिलीज करेंगे, उन्होंने किया है और वीडियो भी वही करेंगे, बस वीडियो भी वही करेंगे। मतलब आई गाना को देखिए ना, हम जब YouTube पे सर्च किए, हमको क्या पता है कि भैया हम आपके साथ ना उठते हैं ना बैठते हैं, हमको क्या पता है कि आपने क्या गवाया है, क्या कर रहे हैं, कौन सा गाना लिख रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, आज तक कभी सुने थे कि नीरज निराला का किसी के गाना से मतलब ये हो? नहीं नहीं सुने थे, तो फिर इसको हम कैसे गा देंगे अगर जानते तो। और आप मुझे उल्टा ये कर रहे हैं कि बोलो ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर लीजिएगा, खाती होगा, मतलब धमकी भी दे रहा है वो। वही ना, मेरे देखिए व्हाट्सएप पे लिखा गया कि नीमन से समझ ले, हमरा का समझ लेगा तू? ये कौन लिखा है? माने हमरा का समझ लेगा, लिखा गया का, हम नाम नहीं रखेंगे आपको, थोड़ी आज तक आप देखे हैं कभी सब नहीं, नहीं, तो क्या चाहते हैं मतलब पब्लिक से? आप क्या मतलब चाहते? पब्लिक से ही चाहते हैं कि बस गाना उपलब्ध है, बहुत सारे चैनल पे गाना उपलब्ध है, आप लोग भरपूर प्यार दीजिए और इसको भी बजाइए, उसको भी बजाइए भैया,
कोई दिक्कत नहीं है, जिसका अच्छा रहेगा उसको सुनेगा, जिसका अच्छा रहेगा। का है लहंगा लखनऊआ रितेश पांडे जी भी गए थे, ये भी गए थे, जिसका अच्छा था चला ना। बिल्कुल बिल्कुल। हल्दी गाना जो था ये भी गए थे, प्रमोद भैया भी गए थे, खेसारी भैया भी गए थे, बिल्कुल दोनों आदमी का उपलब्ध है। दीवाना बदमाश हो जाए, प्रमोद भैया का भी उपलब्ध है, उनका भी उपलब्ध है, तो ये भी गाने को रहने देना चाहिए। जैसे कि ये गाना केवल आप ही नहीं गाए हैं, और भी कलाकार बहुत सारे गाए हैं हम, तो उन लोगों का गाना नहीं डिलीट किया गया, आप ही का क्यों? पता नहीं मेरे से क्या मतलब ये है, हालांकि हम लोग का व्यवहार बहुत माने ज्यादा अच्छा आपका दी है, क्या किसको डिलीट करवा? नहीं देखिए, हम लोग का भी है मतलब कि खेसारी भैया के ग्रुप से बहुत ही अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग में आज तक कुछ नहीं हुआ है, जहाँ भी मिलते हैं हम लोग इज्जत सम्मान से। तो क्या खेसारी जी से बात करने की प्रयास किए कि नहीं? नहीं, अब वो अपना काम में बिजी रहते हैं तो हम ज्यादातर बात नहीं करते। इसके लिए बात करना चाहिए ना कि आपका भी पैसा लगा हुआ है, आप भी मेहनत करके गाना बनाया है। कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं बड़ा इज्जत सम्मान से हम लोग बात करते हैं, भैया हैं भैया रहेंगे, लेकिन ये चीज उनके जो आदमी है राइटर हो या जो भी हो, उनको सोचना चाहिए कि भाई आज तक ये लड़का कभी भी मान सम्मान के साथ मिला है, चाहे इज्जत करता है, तो उससे भी उसी तरीके से बात किया जाए। तो आपने सीधे तरीके से लिख रहे हैं, हम समझ लेंगे, ये कौन सा बात है भाई? हमको क्या पता है कि आपका कब का गाना है, मेरा तो क्या आप नहीं समझ पाएंगे क्या? तो हम कहेगा डर नहीं जाएंगे, मतलब हम डर जाएंगे तो क्या मतलब? गाना उपलब्ध है, लोग सुने, जैसे सारा गाना, तीन चार पांच गाना तो ऐसा गाना है कि जो मतलब कई लोग गाए हैं, वो लोग भी गाए हैं, जिसका अच्छा उसका चलता है, तो क्या हम अच्छा गा दिया? क्या हम ही से डर है आपको? और गाना, गाना, गाना तो आपका इसके मतलब ऐसे फिल्म से खुल गया, खुल गया है। अगर मान लीजिए कि वहां भी नहीं चलने दिया जाए तो क्या कीजिएगा? कैसे नहीं चलेगा भैया, कहाँ कहाँ से आप बंद कराइएगा? तो इसका मतलब है हम ही से प्रॉब्लम है क्या आपको? जो वहां से भी बंद करा जाए, बंद करा के राजा हो जाता, हमारा क्या दिक्कत बा? तू रजे हो जाएगा गाने से, क्या हो जाए? मतलब यूं कह लीजिए कि नीरज इंदाला से मतलब खेसारी लाल को दिक्कत है। हम क्यों कहेंगे कि दिक्कत है, ये बताइए। नहीं, जो आप ही का गाना जब हटाया गया, देखिए वहाँ पे, आप यूट्यूब पर देखिए, अभी हम आपको दिखा देते हैं कितने लोगों का गाना आएगा, ठीक है, लेकिन वो सब गाना उपलब्ध है, मेरा गाना ही मतलब ब्लॉक करा दिया गया, गाना रिलीज नहीं हुआ, ये कौन सा तरीका है भैया? रॉन्ग तरीका है, मतलब है तो है, चलने देना चाहिए था, क्या हो जाएगा हम लोग? अच्छा फाइनली, अगर आपका इंटरव्यू खेसारी जी खुद देख रहे हो तो उनको क्या बोलिएगा? हम बोलेंगे कि भैया देखिए, आप भी गाए हैं, हम भी गाए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके बीच में कुछ है, हम उनका इज्जत करते हैं और इज्जत करते रहेंगे, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? इतना गाना आपका है, कोई कोई को गाना है, हाँ, जिसका बजेगा 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 बजेगा, इसमें क्या परेशानी है? लेकिन ये सब रवैया ठीक नहीं है, वो अपने आदमी को कहे कि भाई किसी से इज्जत से बात कीजिए, जो अगला आपको इज्जत करता है ना, तो इज्जत से बात कीजिए। उनके टीम का रवैया सही नहीं है, वो अपने टीम को बोले कि नहीं भाई, तुम लोग भाई कहीं भी बात करो, ढंग से बात करो, उन लोगों का ढंग नहीं है बोलने का, मतलब फाइनली मतलब आपका भी गाना चलने दिया जाए, ठीक है, जहां भी है, और इनको परेशान ना किया जाए। मान लीजिए जो पब्लिक आपको प्यार करती है, वही पब्लिक इनको भी प्यार करती है। और ये थे हमारे साथ नीरज निराला जी, जो कि बहुत ही अच्छे गायक हैं, इनका भी गाना है सवरिया दढ़िया जनी बनाई, बढ़िया लगेगा, जो कि एसएस फिल्म्स भोजपुरी पर रिलीज हुआ है, आप लोग जाइए और पूरा एकदम भरपूर प्यार दीजिए और रील पे गर्दा उड़ा दीजिए, उड़ाइए, उड़िए रहा है, जितना मेरा क्षमता है उतना उड़ रहा है। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद भारत के साथ नीरज जी, थैंक यू अपनी बातें रखने के लिए, देखते रहिए, अगर आपको जो सही लगता है कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा, और नीरज जी के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ इसके बारे में जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।